नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई दो टेस्ट मैच की सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप कर लिया है। कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इससे पहले चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों के बड़े अंतराल से हराया था। भारत इस जीत के साथ ही अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले पायदान पर 98 अंकों के साथ बरकरार है। भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेले गए 11 मुकाबलों में से 8 में जीत हासिल कर चुका है। इसके साथ ही बांग्लादेश पर जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह लगभग भारत पक्की कर चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा में चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन पीसीसी कार्यकर्ताओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उनके गृह जिले में भी जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही कई दिग्गजों ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को फोन और सोशल मीडिया पर शुभकामना संदेश भेजे। अंतर्राष्ट्रीय शोटोकॉन कराटे डो संगठन की ओर से मुंबई में आयोजित चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 में गिरीशा शर्मा ने व्यक्तिगत कुमाइट 19 वर्षीय ऑरेंज बेल्ट 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान के साथ ही हनुमानगढ़ का नाम भी रोशन किया गया है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज की छात्रा गिरीशा शर्मा मंगलवार को हनुमानगढ़ लौटी और जिला कलेक्टर कानाराम से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने गिरीशा शर्मा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय व चेयरमैन आशीष विजय तथा गिरीशा शर्मा के पिता वेद शर्मा भी मौजूद रहे। महिला थाना पुलिस हनुमानगढ़ ने महिला से दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बाबत जानकारी देते हुए महिला थाना अधिकारी कविता पूनिया ने बताया कि पीड़िता ने 2 दिन पूर्व महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि तांत्रिक जीवराम सिंह ने उसको झांसे में लेकर उससे दुष्कर्म किया। उसे 40 तोला सोना और 20 लाख रुपए भी ऐंठ लिए और तांत्रिक जीवराम सिंह ने 40 तोला सोना एक फाइनेंस कंपनी में रखकर ऋण भी उठा लिया। महिला थाना अधिकारी के अनुसार पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर सोना और नकदी बरामदगी के प्रयास करेगी। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी ने मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गोपाल सारण 2014 में एसआई बना था, लेकिन 2020 में क्रूड ऑयल चोरी मामले में गोपाल सारण को बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं एसआई भर्ती 2021 में गोपाल सारण ने भूपेंद्र सारण से लिया लीक पेपर, 6 अभ्यर्थियों को बढ़ाकर उनको एसआई बनवाया था। गोपाल सारण की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक की ओर परतें खुल सकती हैं। इसके साथ ही एसओजी जल्द ही इन 6 ट्रेनी एसआई को भी गिरफ्तार में ले सकती है जिन्होंने गोपाल सारण से पेपर पढ़कर पास हुए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर पदों पर 27 अक्टूबर को परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा 352 पदों के लिए एक ही दिन में करवाई जानी है। आयोग द्वारा इस साल अक्टूबर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होना है। कैलेंडर के मुताबिक सबसे बड़ी परीक्षा अक्टूबर महीने में होनी है, वहीं नवंबर में 5 दिन परीक्षाएं होंगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब जैसे जैसे मतदान तिथि पास आती जा रही है, सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की जनता को साधने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अब साथ मिलकर अपने प्रत्याशियों को चुनावी सभा प्रचार प्रचार में जुट रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज हरियाणा में विभिन्न चुनावी सभाओं में पहुंचे और कांग्रेस की जीत का दावा किया। इसके साथ ही राहुल और प्रियंका के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही अंबानी और अडानी रहे। वहीं राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आज चुनावी हरियाणा में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। नए पर्यटन सत्र के साथ ही अब रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मानसून सीजन में 3 महीनों तक पार्क बंद रहने के बाद आज से रणथंभौर पार्क खुला। पार्क खुलने के साथ ही पर्यटक भी बड़ी संख्या में बाघों की अटकेलियां देखने पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों को बाघिन रिद्धि को अपने 3 शावकों के साथ मस्ती करते हुए देखा। इसके साथ ही आज से झालाना के सफारी समय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब झाला में पर्यटक सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक और शाम 3:45 से 6:15 तक सफारी कर सकेंगे। जोधपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में जाने से पहले यात्रियों की तलाशी के दौरान सीआईएसएफ ने एक यात्री के बैग से अवैध कारतूस बरामद किया। इसके बाद सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट थाना पुलिस को वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया। एयरपोर्ट थाने में जांच अधिकारी राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि पकड़ा गया युवक जोधपुर के बालेसर में विजयनगर
फुडियाला का रहने वाला है। वह जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से जापान जाने वाला था। उसके हैंडबैग को स्कैन करने पर CISF को कारतूस मिला था। इसके संबंध में CISF ने एयरपोर्ट थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने आरोपी जसवंत सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा के पैर में गोली लगी है। इस वक्त वह अस्पताल में भर्ती और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि अभिनेता आज सुबह कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब वह अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी उनके हाथ से रिवॉल्वर गिर गई और गोली चल गई। ये गोली गोविंदा के पैर में लगी है। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनकी हालत ठीक बताई जा रही। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।